हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, तो आज की इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे आप लोगों को राहुल सर, और यूनिफॉर्मली टू जीरो। ठीक है, वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है वो जो एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और बाद में यूनिफॉर्मली फॉर्म में यूनिफॉर्मली तरीके से देखे तो वो जीरो हो जाती है। आज का जो वीडियो है क्लास 9th इंग्लिश मीडियम के लिए है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे आज लोग। आज मैं आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा, बट किसके लिए, जब वेलोसिटी किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, लास्ट में वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी वो, जीरो। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ये डी वाली हेडिंग है, कौन सी है, डी। ठीक है, ये डी है, तो डी में हेडिंग डाल दीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू जीरो। अब से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में देखिएगा किस तरीके से टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम तो सेकेंडों में बढ़ ही रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, वो क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, यानी कि धीरे धीरे कम भी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लास्ट में वो जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए एक टेबल बना रहा हूं मैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया टाइम। ठीक है, टाइम ले लिया मैंने, ठीक है, सेकेंड में, ठीक है, टाइम इन सेकेंड, इज दैट क्लियर। ठीक है, नीचे ले लिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है, वही पहले जैसी। ठीक है, इन वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, इज दैट क्लियर। ये क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये पूरा लाइन यहां तक मैं बना रहा हूं। ठीक है, एक लाइन ये बना रहा हूं मैं, और एक लाइन मैं ये बना रहा हूं, इज दैट क्लियर। ठीक है, ये हो गया आप लोग। ठीक है, इसको यहां से पैक कर दिया। ठीक है, तो टाइम हो गया सेकंड में, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में। अब देख लीजिएगा आप किस तरीके से, सबसे पहले टाइम होता है जीरो सेकंड, ठीक है, इज दैट क्लियर, फिर वन सेकंड, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है टू सेकंड, ठीक है, थ्री सेकंड, फोर सेकंड एंड फाइव सेकंड, इज दैट क्लियर। तो टाइम देख लीजिएगा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इज दैट क्लियर। टाइम तो सेकेंड्स में इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली टू जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले क्या हो जाएगी, टेन मीटर पर सेकेंड ले ली मैंने, इसके बाद डिक्रीज होकर के कितनी रहेगी, एट मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, इसके बाद सिक्स मीटर पर सेकेंड रहेगी, इसके बाद फोर मीटर पर सेकेंड रहेगी, फिर टू मीटर पर सेकेंड रहेगी, और लास्ट में क्या हो गई, जीरो, इज दैट क्लियर। तो टेन, एट, सिक्स, फोर, टू, जीरो, इज दैट क्लियर। और बीच में मैंने ये सेक्स बना दिए इसके, ठीक है, डिवाइड कर ही दिया, ठीक है, बीच बीच में इनके ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। चले आगे, चलो जी आगे, ठीक है, चले आगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव सेकेंड्स, और ये वेलोसिटी हुई टेन, एट, सिक्स, फोर, टू, जीरो। चले आगे, अब मैं आप लोगों को ग्राफ बना के बताऊंगा, और इसके बाद आगे की पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसी टेबल पे डिपेंडेंट मैं ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, यहां पर एक्स लिख दिया, ओ लिख दिया, और ये मैंने लिख दिया वाई, इज दैट क्लियर, एक्स, ओ, वाई, इज दैट क्लियर। ठीक है, नीचे एक्स एक्सिस पर वही टाइम लेना है, टाइम, ठीक है, किसमें लेना है, इन सेकेंड्स में, इज दैट क्लियर। और इधर ले लेंगे हम वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, और वेलोसिटी किसमें, इन मीटर पर सेकेंड में, इज दैट क्लियर। चलो जी हमें, अब आप देख लीजिएगा जो टाइम है, टाइम ये टेबल में दे रखा है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव सेकेंड, तो वही जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव सेकेंड यहां रख दीजिएगा, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, इज दैट क्लियर, वन, टू, थ्री,
फोर एंड फाइव, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आप लोग लिखोगे, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लास्ट में, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी सबसे पहले वही यहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से, तो टू, ठीक है, फोर सिक्स एट एंड टेन, ठीक है, टू या उल्टा कर लीजिए टेन एट, ठीक है, सिक्स, ठीक है, फोर टू और जीरो, इज दैट क्लियर। चलें आगे। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले आ जाइए जीरो पे टेन, जीरो सेकंड पे टेन है तो जीरो सेकंड पे रहा टेन, ठीक है, इसको यहां पर क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा देता हूं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप लोग, ठीक है, वन सेकेंड पे कितना है एट मीटर पर सेकेंड, तो वन सेकेंड पे कितना है एट यहां पर आएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। सीधी सी बात है, ये रहा वन, ठीक है, और ये रहा एट, पॉइंट लगा दिया। टू पे सिक्स, ये रहा टू, टू पे ये रहा सिक्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। यहां पर आएगा टू पे सिक्स, इज दैट क्लियर। चलो जी, थ्री पे फोर, ये थ्री पे फोर यहां पर आएगा भैया, ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, थ्री पे फोर एंड फोर पे टू, तो फोर पे टू यहां पर टच करेगा, इज दैट क्लियर। और फाइव पे ये जीरो हो जाएगा, तो सीधी सी बात है फाइव पे यहीं आएगा, ठीक है, तो आपको ये अटैच करना है, ठीक है, वो कैसे अटैच करोगे आप लोग, ठीक है, कैसे अटैच करोगे आप लोग, लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है, कैसे बनेगी, ये पॉइंट था यहां पर, ठीक है, ठीक है, और एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, आपको यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सेकेंड, देख लीजिए, आया समझ में कुछ। अब ये पॉइंट टच कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, कि जीरो पे टेन हो गया, वन पे कितना है एट, अब वन पे एट ये रहा, ये यहां पर वन जाएगा और ये एट है, इज दैट क्लियर। आप इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, ये इसको इसके मिला दिया, ठीक है, और ये वन पे ये, इज दैट क्लियर, एक सेकेंड, यहां पर ये टच हो रहा, ठीक है। टू पे कितना है सिक्स, ये रहा टू, इज दैट क्लियर, सिक्स ये रहा, थ्री थ्री ये रहा, इज दैट क्लियर, फोर फोर ये रहा, ठीक है, फाइव है ये, फोर पे ये, थ्री पे फोर टच हो गया, इज दैट क्लियर, और फोर पे टू ये टच हो गया, इज दैट क्लियर, बन गया। चलिए जी आगे, नाम दे दीजिए ए इसको, बी, ठीक है, ओ है ये यहाँ पर, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है हमको, क्या निकालना है इस ग्राफ का, आ गया ये समझ में, ठीक है, ग्राफ इसका क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, तो देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, ठीक है, किसका स्लोप, एवी का, किसका निकालना है स्लोप, एवी का, ठीक है, तो एवी का स्लोप कैसे निकालोगे, ओ ए अपॉन क्या करोगे, जल्दी बताइए, ओ ए में डिवाइड करेंगे ओ बी का, किसका, ओ ए अपॉन ओ बी, आगे समझ में, ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, यहां से ओ से और ए तक लगा लीजिए, टोटल कितनी है टेन, और ओ बी की ओ से और बी तक लगा लीजिए फाइव, तो टेन अपॉन, तो सीधी सी बात है टेन मीटर पर सेकेंड अपॉन फाइव सेकेंड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपके एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये स्लोप में माइनस लगेगा, क्या लगेगा इसमें, माइनस लगेगा, ये माइनस के, वो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिखोगे, नहीं भी लिखोगे, लेकिन यहाँ आपके फर्क पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहां पर आपको माइनस के क्या लिखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, इज दैट क्लियर, माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आगे समझ में। डिस्प्लेसमेंट आ जाइए, आगे लिखिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, जो ये ट्राइंगल है ओ ए एंड बी, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए एंड बी, इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी का निकाल लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, इज दैट क्लियर? तो इसमें रख दीजिए 1/2, बेस कितना है ओ बी 5 और हाइट ओ ए 10, तो 5 × 10 ठीक है, कितना आ जाएगा 25 ठीक है मीटर, इज दैट क्लियर? ये आंसर है आपको ठीक है। तो देख लीजिएगा इस वाले में, तो ये ग्राफ रहा साइड में ठीक है, ग्राफ के बाद ये आपका एक्सेलरेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है। जब बॉडी क्या हो, वेलोसिटी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, डिक्रीज हो जाए ठीक है, तो वो लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ठीक है। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है, ये भी मैंने रफ कर दिया ठीक है। तो वेलोसिटी हेडिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है, यहां तक तो आपने लिख लिया ऑफ ठीक है नॉन ठीक है, लिखिएगा एक से लिखिएगा ऑफ नॉन ठीक है यूनिफॉर्म मोशन, इज दैट क्लियर ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए राहुल सर आप लोगों को ग्राफ बताएंगे इसमें ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा मैं आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ठीक है। इसमें आपको दो पॉइंट लिखने हैं ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट तो आप लिखिएगा डी के बाद हेडिंग है आप लोगों के ई, कौन सा है ये ई है ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मैं आपको बता दूं जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ बनाओगे आप, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनाओगे वो क्या होगा, उस बॉडी का एक कर्व मिलेगा आप लोगों को ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, मतलब वीटी जो ग्राफ मिलेगा वो आप लोगों को बढ़ता हुआ कर्व मिलेगा, मतलब इंक्रीज होता हुआ एक कर्व मिलेगा इस तरीके से ठीक है, ये इंक्रीज होता हुआ एक कर्व मिलेगा आप लोगों को ठीक है, यानी कि आप मेन यहां से देखोगे तो इंक्रीज होता हुआ एक कर्व मिलेगा ठीक है। दूसरी बात, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन किसके साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है स्मॉल ए वो इंक्रीज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज दैट क्लियर? टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। चलें आगे, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा द बीटी ग्राफ ठीक है, यानी कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है, द बीटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है, किसका, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ACCELERATION ठीक है, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है, किसका, किसी बॉडी का, ऑफ अ बॉडी ठीक है, यानी कि किसी बॉडी का जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका जो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, नहीं समझे आप, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, एक कर्व होगा ठीक है, इज अ कर्व CURV कर्व होगा, जो कि क्या रखेगा, हैविंग क्या रखेगा, एक कर्व बनेगा जो कि क्या रखेगा, बढ़ता हुआ एक स्लोप, यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप SLOPE फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट आप लिखीजिएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें जो बॉडी का एक्सेलरेशन है ठीक है, लिखिएगा द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन किसका, ऑफ द बॉडी ठीक है, यानी कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ठीक है, इज इंक्रीजिंग, नहीं आया समझ में, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब उसका टाइम इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, विद द इंक्रीज, विद द इंक्रीज ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टाइम, जब उसका टाइम क्या होगा,
इंक्रीज होगा, यानी कि सीधी सी बात है टाइम के रेस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या बढ़ेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आपको ग्राफ बता देता हूँ किस तरीके से ये बनेगा इसका, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आया समझ में थोड़ा बहुत, ठीक है। इस तरीके से लाइंस बनाइए आप, ठीक है। यहां पर लिखना है नीचे वही एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स ओ, ठीक है, और ये वाई, ये टाइम हो जाएगा टाइम, ठीक है, किस में हो जाएगा इन सेकंड्स में, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये इधर वेलोसिटी हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसका ग्राफ है, वी टी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वाई एक्सिस पर, टाइम हो गया आपके एक्स एक्सिस पर। चलें आगे, ठीक है। अब आप सीधी सी बात है कुछ नहीं करना आपको जीरो टाइम इंक्रीज करना है, क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज इन टाइम, तो ये हो गया जीरो, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए आप, ये हो गया 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया आप लोगों के इक्वल फैक्टर है टाइम का 3, एंड ये हो गया 4, ठीक है, टाइम फैक्टर तो इक्वल है। अब आप आ जाइए वेलोसिटी पर। वेलोसिटी की यदि हम बात करें, टाइम तो वही 1 2 3 4 सेकेंड्स हो गए, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए देखिए सबसे पहले आ गया 1, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब 1 के बाद मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट 3, ठीक है, ये मैंने ले लिया 3, थोड़ा सा गैप ले करके 1 और 3 के बीच में ज्यादा, फिर ले लिया मैंने ज्यादा गैप, ठीक है, ले लिया मैंने 5, और फिर कुछ ज्यादा गैप ले लिया, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने ऊपर की तरफ, मैं ले लेता हूँ यहां पर, ठीक है, ऊपर की तरफ, यहां पर मैंने वाई लिख दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने वाई लिख दिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा 0 1 3 5 और इनके बीच में ज्यादा गैप, ठीक है, ये मैंने ले लिया 10। इज दैट क्लियर। देख लीजिएगा टाइम हो गया सेकेंड्स में 1 2 3 4 सेकेंड्स, नीचे एक्स एक्सिस पर लिया गया है, वेलोसिटी ले ली गई है मीटर पर सेकेंड में, वाई एक्सिस के अलोंग 1 3 5 10। इज दैट क्लियर। अब सीधी सी बात है आप लोगों को बढ़ता हुआ एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले 1 पे 1 ये टच हो गया, ठीक है, हो गया, तो आपको क्या करना है 1 पे 1 इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर क्या होगा 2 पे 3, 2 पे 3 स्ट्रेट लाइन इस तरीके से यहां पर बनेगा, तो इज दैट क्लियर, ये 2 पे 3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये हो गया 2 पे 3। फिर आपके 3 पे 5, ठीक है, 3 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चले आप लोग, ठीक है, और ये 5, ठीक है, तो इसको इससे टच कर दीजिए, ठीक है, आ गया समझ में। एंड लास्ट आपके आता है 4 पे 10, ठीक है, ये 4 के अलोंग चले बिल्कुल सीधे चले यहां पर और यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो यानी कि इसको इससे टच कर दीजिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, और आप इसको इससे क्या कीजिए 10 को आप इसको टच कर दीजिए, ठीक है, ये 10 का यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये टच हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड, ये इसके, ठीक है, ये यहां से हो गया और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा, कैसे, इस तरीके से, देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। ऐसे ही 3 पे आ जाइए, ठीक है, 5 पे तो ये यहां से यहां तक टच हो जाएगा, ठीक है, टच हो जाएगा, ऐसे ही 1 पे यहां से यहां तक टच हो जाएगा। इज दैट क्लियर। देख लीजिए क्लियर दिख रहा होगा ग्राफ, ठीक है, क्लियर ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड्स पर 5 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड्स पर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज दैट क्लियर। ये यहां पर आपके स्टॉप होता है, ठीक है, आज के इस वीडियो में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टॉप होता है, ठीक है, ये टॉपिक यहां पर फिनिश हो जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपको मैं बताऊंगा
जो सुन लीजिएगा ध्यान से कि जो मैंने अभी तक आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिए ठीक है। आपको स्पीड टाइम और जो ग्राफ है स्पीड टाइम को वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बोलते हैं, एक ही बात ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जब चलती है तो वो कौन से मोशन में होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे रेल पटरी पर चलती हुई ट्रेन ठीक है, सड़क पर सीधी चलती हुई बैलगाड़ी या कुछ भी बुलकाट बोल सकते हो ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कितनी बनेंगे, मतलब उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, समझ रहे हो आप। कि मान लीजिए कैसे कि स्पीड जब क्या हो कांस्टेंट, फर्स्ट कंडीशन ये कि स्पीड या वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट, आया समझ में। तो इसके लिए क्या वीटी ग्राफ बनेगा ठीक है, वीटी ग्राफ बनेगा। सेकंड कंडीशन आ गई आप लोगों के, जब क्या हो स्पीड या वेलोसिटी क्या हो वी इक्वस टू जीरो, तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। थर्ड कंडीशन आ जाए आप लोगों के कि वेलोसिटी जीरो है ठीक है, और जो वेलोसिटी है धीरे धीरे बाद में यूनिफॉर्मली कांस्टेंट हो जाती है, तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। फोर्थ कंडीशन आ जाती है कि आप लोगों की जो वेलोसिटी है वो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और यूनिफॉर्मली मान ले कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है वो क्या हो रही है अंडर द क्या बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ठीक है। तो इसके लिए क्या वीटी ग्राफ बनेगा। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैं आपको सारी कंडीशंस बताऊंगा एक एक करके। तो इसके लिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पहले हेडिंग डालिए पॉसिबिलिटीज ऑफ, पॉसिबिलिटीज हेडिंग डाल दीजिए, पॉसिबिलिटीज PO हेडिंग डाल दीजिए, पॉसिबिलिटीज POSSI पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ ठीक है। ग्राफ की पॉसिबिलिटीज निकालनी है हमको, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ, किसकी पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ ठीक है, ऑफ किसकी, डिफरेंट टाइप्स ठीक है, ऑफ ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेलोसिटी ठीक है टाइम। तो क्या लिखा मैंने, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ठीक है, अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ठीक है, ऑफ स्पीड टाइम ये बोल सकते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी स्पीड टाइम ये बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, STRAIGST स्ट्रेट लाइन मोशन ठीक है। ये पूरी कंप्लीट हेडिंग है ठीक है, यानी कि हेडिंग है आप लोग के पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम, और ब्रैकेट में लिखा वेलोसिटी टाइम फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इज दैट क्लियर ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक इंडेक्स बनवाऊंगा ठीक है, उसमें तीन ब्लॉक्स बनवाऊंगा, एक में मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनवाऊंगा, एक में मैं आपको कंडीशंस लिखवाऊंगा, और एक में मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन ठीक है। तो आप तीन ब्लॉक्स बनाइएगा ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ग्राफ का हो जाएगा तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा ठीक है। तो आप बना ही दीजिएगा फर्स्ट ब्लॉक ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक ठीक है, डेस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, सेकंड ब्लॉक, और तीसरा ये हो जाएगा ग्राफ ठीक है। आया समझ में, ऊपर से मैं ये ब्लॉक्स बना देता हूँ साइड में ठीक है, बनाना चाहिए यहां से यहां तक लाइन बना देता हूँ ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी, इज दैट क्लियर ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें तो लिखे हैं आप हेडिंग कंडीशन ठीक है, इसमें मैं कंडीशन बताऊंगा आप लोगों को, तो लिखे कंडीशन CONDITIONS ठीक है। किसकी कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको ठीक है, अंडर ठीक है, लिखिएगा अंडर क्या बताऊंगा, कंडीशंस ठीक है, अंडर विच WHICS, तो क्या मैंने लिखा है कंडीशंस अंडर विच ठीक है, द बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट है मूव्स ठीक है, ठीक है आगे समझ में। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपके हेडिंग इस ब्लॉक का, कंडीशंस
अंडर विच द बॉडी मूव्स। अगला लिखें डेस्क्रिप्शन, इधर लिखें डेस्क्रिप्शन, सी आर आई पी टी आई यू एन, डेस्क्रिप्शन, किसका डेस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ का डेस्क्रिप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। थर्ड आप लिखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इधर लिखें स्पीड, ठीक है, टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। और क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो देखिए तीन ब्लॉक्स बना दिए, कंडीशंस, ठीक है, अंडर विच द बॉडी मूव्स, ठीक है, डेस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ्स, और एक बना दिया स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, थ्री ब्लॉक्स हो गए। अब आगे आ जाइए, फर्स्ट लिखें कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इसमें कंडीशन लिखवाऊंगा, इसमें उसका डिटेल लिखवाऊंगा और उसमें मैं ग्राफ बनवाऊंगा। तो इसमें लिखे वेन द स्पीड और वेलोसिटी, इसमें लिखे वेन, ठीक है, द स्पीड बोल सकते हैं या वेलोसिटी, मैं दोनों ही ऑप्शन लिखवा रहा हूं, वेन द स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड या वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट हो, रिमेन्स, आर ई एम ए आई एन एस, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इज दैट क्लियर, जब क्या हो कांस्टेंट हो। डेस्क्रिप्शन में मैं आपको लिखवाऊंगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे लिखेगा पैरेलल टू द लाइन, ये पैरेलल हो जाएगी, पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल टू द लाइन, इज दैट क्लियर, ठीक है, किसके पैरेलल, एक सेकेंड, जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू, मैंने फर्स्ट में ही बताया था आपको, टाइम यानी कि एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। इसके बाद भी आपको लिखना है स्लोप ऑफ द, ठीक है, इसमें लिखें स्लोप ऑफ द। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, वीडियो काफी लेंदी हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ, ऑफ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बताऊंगा मैं, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।